कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके पार्टनर क्या आपको मिस कर रहे हैं। ओके, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं। आप लोग कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, लेकिन आप जानना चाहते हो अपने पार्टनर के बारे में कि जिस कदर आप मिस करते हो क्या वो भी आपको मिस करते हैं या नहीं। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे टोटली, ठीक है? तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स एंसेस्टर्स मुझे गाइड करें। ओके, डिवाइन में प्लीज गाइड करें। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एट ऑफ स्ट्रेंथ कह रही थी मैं। डिवाइन में प्लीज गाइड करें। टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, सेवन ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या इनको मिस करते हैं या नहीं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, आप मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी को चेक करूंगी। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मैजिशियन। ओके, क्या है मेरे पास एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, द एम्प्रेस की एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आप जो हैं आप रो रहे हो, तकलीफ में हो और क्रॉस रोड पे भी खड़े हो। ऐसी जगह आप आके खड़े हो गए हो जहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, जहाँ पे आपको एक्शन लेना है, जहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये पर्सन आपके लिए बेटर है या नहीं है, या क्या ये पर्सन के साथ आप आगे बढ़ने में कंफर्टेबल हो या नहीं हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि यस यस यस, आपको अपने रिलेशनशिप में ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आपके अंदर एक तरीके की ऐसी परेशानी, इस तरीके का ऐसा फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है जहाँ से आप निकलना चाह रहे हो या अपनी लाइफ को चूज़ करना चाहते हो, लेकिन वहाँ पे चूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो दिक्कतों का सामना आप कर रहे हो यहाँ पे, नो डाउट यहाँ पे दिख रहा है कि आप परेशानियों का सामना कर रहे हो और परेशानियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि परेशानियाँ आखिर कब ख़त्म होंगी, ये चीज़ें क्यों ख़त्म हो, कब ख़त्म होंगी, कैसे ख़त्म होंगी, ये सारी बातें जो है ना आपके दिल दिमाग में चल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत चीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ही कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि आपके पार्टनर को डिस्टर्ब कर रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको भी डिस्टर्ब कर रही हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से मन दुखी है, अंदर ऐसा हो चुका है कि यार क्या करूँ, सब करके देख लिया, सबके अगेंस्ट जाके भी देख लिया, फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। ये आपकी एनर्जी है। आप बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, रो रहे हो अंदर ही अंदर, जैसे कि तकलीफ निकल रही है, अंदर से दर्द निकल रहा है, अंदर से होता है ना कि हाँ एंजाइटी स्ट्रेस है ना होता हुआ दिख रहा है। लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है कि समझ नहीं आता है कि क्या
ये सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना जो कि इंसान करने को कर तो लेता है लेकिन फिर वही तकलीफ वही दर्द है ना झेलना पड़ता है। तो आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर के अंदर वो तकलीफ वो दर्द मुझे दिख रहा है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि यस यस यस, आपके पार्टनर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिखता है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर पैशन है, बहुत पैशन है, बहुत पैशनेट वाली एनर्जी है, बहुत पैशन वाली एनर्जी है। एंड मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इतना पैशन है कि समझ नहीं आता कभी कभी कि क्या करूँ, है ना। आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, आपको इस पर्सन का वेट करना है नहीं करना है, ये इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हो आप। ऐसा है कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है अपनी ज़िंदगी में। आपको पीछे छोड़कर, आपको भुलाकर या आपको इस तरीके से गड्ढे में डालकर, आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है फिर भी मैं रोना धोना नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। अपने आप को आपने हील किया है, बहुत अच्छे तरीके से हील किया है, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डील किया है, बहुत अच्छे तरीके से डील करके आज यहाँ की एनर्जी बताती है कि यस, आपको काफ़ी अच्छा फील होता है कि हाँ 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 आप ठीक हो, आप पॉजिटिव हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि भाई मुझे और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। यानी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक जो होता है ना कि हाँ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, अच्छा जो भी है फ्यूचर है उसको लेकर के जो है ना यहाँ पे ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर वो खालीपन वो अकेलापन दिख रहा है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि यस, आपके पार्टनर को आप में एस ऑफ वांड्स का कार्ड, एस ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे काफ़ी क्लियर बताता है कि हाँ आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि हाँ आपके पार्टनर को जो भी है प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन आपके पार्टनर को चाहिए। एंड मुझे ये भी फील होता है कि हाँ आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपके जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स हैं उसको लेकर के काफ़ी अब जो है ना अंदर से एक्सेप्टेंस हो चुकी है, एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप जो है यहाँ पे अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो या सपने जो भी हैं वो पूरा करना चाह रहे हो, लेकिन मुझे ये भी फील होता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि फिर से मुझे इस पर्सन की तरफ देखना चाहिए। आपको लग जाता है कि नहीं, ये पर्सन जो है ना इस पर्सन की तरफ मुझे देखना चाहिए और मुझे देखना ही पड़ेगा, ऐसा आपकी फीलिंग्स ऐसी आपकी वाइब मुझे नज़र आ रही है कि नहीं, आपका दिल अब मजबूर हो चुका है कि नहीं, अब मुझे जो है ना इसकी तरफ देखना ही होगा। ठीक है, सो कभी कभी आपका मन काफ़ी करता है कि आप इस पर्सन को कॉल कर दो, आप इस पर्सन को मैसेज कर दो, हालांकि आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी रहना चाहते हो, आप अपने आप को बिज़ी ही रखते हो, लेकिन फिर भी कभी कभी मन होता है ना कि अपना मन कंट्रोल में नहीं होता है। और आपको यहाँ पे वही है कि आपको याद आती है अपने पार्टनर की, बहुत याद आती है। एंड आप जो है ना अपनी लाइफ में चीज़ों को कहते हैं ना कि सही करना है ना, तो वो करना मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ की एनर्जी काफ़ी क्लियर बताती है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि यस, आप अपने आपके जो पार्टनर है ना लियो की एनर्जी में है, यानी कि ये पर्सन ईगो में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ईगो में रहते हैं। ये पर्सन सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं, सिर्फ अपने दिल की अपने मन की सुनना पसंद करते हैं। ये पर्सन के अंदर मुझे फील हो रहा है कि सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, इसलिए पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। एंड थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है ना ये बहुत ही खतरनाक वाली सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर क्लियर नहीं है थर्ड पार्टी के लिए कि क्या करना चाहिए इनको, यानी कि क्या करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के अंदर क्लैरिटी ये नहीं है कि ये पर्सन को कैसे रिलेशनशिप को स्टार्ट करना है या कैसे इस रिश्ते को लेकर के आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी, इस पर्सन की वाइब मुझे काफ़ी क्लियर बताती है कि नो, ये पर्सन को जो चाहिए वो परफेक्ट तरीके से चाहिए एंड परफेक्टली होना भी चाहिए। ठीक है, मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है ना उसकी याद बहुत आती है, थर्ड पार्टी में है फिर भी इस पर्सन को आपकी ही याद आती है, क्योंकि इस पर्सन को जो है ना यहाँ पे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, इसी वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज़न में भी है कि मुझे क्या करना चाहिए,
मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए या मुझे इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, ये भी इस पर्सन की एनर्जी बताती है। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर के अंदर एक अधूरापन, खालीपन तो दिख ही रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन आपको बहुत दिल से याद करते हैं। नो कॉन्टैक्ट में मुझे लगता है कि है कुछ लोगों के पार्टनर, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। फिर भी थर्ड पार्टी में रह करके भी आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है ना कहीं से आपको स्टॉक करने की, कहीं ना कहीं से आपको देखने की चाहत रखते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन का टाइम ऐसा होता है जब ये पर्सन ऐसा वक्त गुजारते हैं जहाँ पे आपके बारे में जानने की चाहत इनको ज़्यादा होती है, यानी कि आप क्या हो, क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर के अंदर मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि यस, आपके पार्टनर को होता ना कि हाँ, छोटे छोटे मैसेजेस करना, या छोटे छोटे जो होता है ना कि हाँ कभी हाय हेलो कैसे हो, उसके बाद फिर बातें बंद कर देना, ये पर्सन करते हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन का वही बहाना होता है कि हाँ इनसे बात करनी है, ठीक है, इनको बात करनी है, इनसे बात करनी है। मुझे यहाँ पे यही फील होता है। मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि यस, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत कुछ है ना करके गुजरना है, बहुत कुछ करना है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि यस, आप इतने उदास, इतने परेशान, इतना मतलब एक खालीपन सा है, एक अधूरापन सा है। एंड मुझे ऐसा फील होता है कि ये खालीपन, ये अधूरापन जो है ना, वो बहुत परेशान करता है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर भी है कि आपके पार्टनर भी जब अकेले में बैठे होते हैं तो इनको बहुत याद आती है आपकी, क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो धोखा देने के बाद इनको रियलाइजेशन तो होगा ही। आपका दिल तोड़ा है इस पर्सन ने ना, तो इस पर्सन को तो रियलाइज होगा ही, इस पर्सन को तो पता चलेगा ही कि हाँ इस पर्सन ने क्या खोया है, क्या इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में स्पेशल पर्सन को खोया है या नहीं खोया है, इस पर्सन को तो पता चलना ही है। सो यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि ये पर्सन अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके आगे बढ़ना, ये एनर्जी मुझे फील हो रहा है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके और आपके रिलेशनशिप में ना आपके पार्टनर को थोड़ा सा एनजाइटी, स्ट्रेस भी हो रहा है, लेकिन शाम के समय ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल अकेले, एकदम अकेले। कुछ भी इनको समझ नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे नहीं करना है, हर एक चीज़। ये पर्सन जो है ना अपने आप में कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलापन में फील करते हैं, और अपने आप को जो है डिस्टर्ब फील करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन की नींद, चैन सब उड़ा हुआ है, नींद चैन सब कुछ उड़ गया है इस पर्सन का। और ये पर्सन अपने आप में कहीं ना कहीं जो अब फील कर रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत 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 ज़्यादा अलग। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को जो है ना एन्जाइटी ज़्यादा हो रही है आजकल, एंड आजकल ये पर्सन बहुत कुछ सोच करके और आपके बारे में सोच करके, एक होता है ना कि हाँ नहीं आगे नहीं बढ़ना है या आगे नहीं करना है, ये चीज़ें भी हो रही हैं आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के अंदर वो घबराहट सी एनर्जी दिखाई दे रही है, घबरा रहे हैं ये पर्सन, घबराहट सी एनर्जी हो रही है। एंड मुझे ये भी फील होता है कि ये पर्सन जो है ना थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, एंड आपके साथ ये पर्सन आना चाह रहे हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड मुझे दिखता है कि ये पर्सन का हो ना हो, देखिएगा आने वाले कुछ टाइम में ये पर्सन आएंगे ज़रूर। चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, कब तक आएंगे, आएंगे ये इनके पर्सन तो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, चैरियट की एनर्जी है। यस, मैंने कहा ना कि आएंगे ये पर्सन, देखो आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्दी आने वाले हैं, हो सकता है कि दीपावली के पहले आ जाए यहाँ पे दीपावली का मैसेज आ जाए आपको, है ना। दीपावली के लिए मैं रेमेडी दूंगी आपको, लक्ष्मी पूजा के लिए, दीपावली के लिए, दीपावली पे हम अपने पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, ये सारी रेमेडीज़ मैं आपको दूंगी मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे, सब्सक्राइब करके रखिए उसको, डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें। ये पर्सन तो आने वाले हैं, ये आपको मानना होगा, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग होगी, न्यू बिगनिंग करके आप दोनों के रिश्ते में जो है ना एक ऐसा रिश्ता बनाना, या इस रिश्ते में आगे बढ़ना, इस रिश्ते को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना,
सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि हाँ ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं। आप बेस्ट हो, ठीक है, आप बेस्ट हो और आपके जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। सो यस, इस पर्सन की एनर्जी बताती है एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यस, मुझे ऐसा फील होता है कि ये पर्सन को अपने प्यार का जो भी है इजहार इस पर्सन ने अभी तक नहीं किया है, तो वो इजहार भी कर सकते हैं आने वाले टाइम पीरियड में। इस पर्सन ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, बहुत 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 कंट्रोल। अब कंट्रोल नहीं करेंगे ये पर्सन, अब इनका ऐसे हो चुका है कि यार बैलेंस बना लेते हैं ना, ये चीज़ें कर लेते हैं ना, ये चीज़ें कर लेते हैं, बैलेंस बन जाएगा ना, ये चीज़ें कर लेते हैं, या इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा एक होता है ना कि हाँ चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा अपना दबाव या अपना मैनेज करना, वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आपके पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं एंड पेशेंस रखिए, आपका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही फील हो रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, कोई रेमेडी, कोई रिचुअल लेना, कोई स्पेल कराना, यानी कि जो है स्विच वर्ड्स लेना या एनर्जी सर्कल लेना, अगर आप चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।